हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकफिन के और एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में। अभी फिलहाल 4G का जमाना तो चल रहा है, 5G आने वाला है। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है, डू वी रियली नीड 5G? 5G की हमें आखिर में ज़रूरत है या नहीं है, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं 5G में, उन्हीं सभी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों एंड तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौम्य, यू आर वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अभी फिलहाल 4G का जमाना चल रहा है और बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि 4G में ही हम सेटिस्फाइड है, जो भी हमें स्पीड मिल रहा है, जो भी जैसे भी ब्राउजिंग कर रहे हैं वो सब सफिशियंट है। लेकिन दोस्तों आखिर में ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ ऐसे है जो कि अभी स्लो हो रहा है, 5G आ जाएगा तो बहुत बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी डाउनलोडिंग स्पीड के बारे में बात करें तो हैदराबाद के एक जगह में ये टेस्ट किया गया है कि जो 5G का स्पीड है वो होने वाला है मिनिमम 359 Mbps, तो होने वाला है दोस्तों, ये टेस्ट किया गया है 359। अभी दोस्तों हम 4G में मैक्स टू मैक्स 5 MB, 10 MB, 15 MB के अंदर पा रहे हैं स्पीड, वहाँ पे 5G में होने वाला है 359 MB, मतलब कई गुना, 100 गुना से भी ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों इसके चलते आप जो फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ डाउनलोडिंग नहीं है दोस्तों, बहुत सारे चीज़, जैसे कि आप अभी ब्राउजिंग कर रहे हैं और जो स्क्रॉल करते वक्त जो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह लोड लेने को थोड़ा टाइम लगता है वो बहुत जल्दी खुल जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप एक PDF को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें आपको फ़ायदा होगा। और क्या होता है, अभी आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं, YouTube में क्या होता है कि आप नेक्स्ट अगर फॉरवर्ड कुछ करते हैं तो वो वफरिंग होता है, तो वो वफरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा 5G के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई वीडियो डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से और उसे ही आप प्ले कर रहे हो। और क्या चीज़ हो सकता है दोस्तों, आप जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, बाकी सारी चीज़ जब करते हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर टाइम इस नेटवर्क के वजह से ही आपका प्रोसेसिंग फेल होता है, वो अब नहीं होगा दोस्तों, 5G में प्रोसेसिंग फेल होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब भी वीडियो कॉलिंग करते हैं तो दोस्तों वो 4G नेटवर्क के अंदर इतना क्लियर नहीं आता है 5G में जितना आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपका डिस्प्ले में आपके ऑपोजिट साइड का वीडियो। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब भी व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में जब एक मैसेज सेंड करते हैं तो दोस्तों वो पहले टिक होता है, जब सेंड हो जाता है रिसीव होने के बाद डबल टिक, और रीड करने के बाद ब्लू टिक होता है। लेकिन अभी ये जो सिंगल टिक और डबल टिक का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर आपका कनेक्शन बैड है, नेटवर्क थोड़ा वीक है तो दोस्तों ये टाइम लग जाता है आपका, यहाँ से वो चला तो जाता है मैसेज लेकिन वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। तो दोस्तों इसका झंझट नहीं होगा दोस्तों, जितना भी खराब क्वालिटी के नेटवर्क क्यों ना हो, 5G में मैसेज जाने में, मैसेज पहुँचने में तो लेट नहीं होगा। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में, यही सब था 5G के बारे में। आपको क्या लगता है, अगर 5G इंडिया में आएगा तो अच्छा होगा या नहीं, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।